सब्सक्राइब कीजिए इंडिया न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। श्रीलंका के कप्तान दिनेश चांडीमल ने आईसीसी के उन्हें निलंबित करने के फैसले के खिलाफ अपील की है। आईसीसी ने गेंद से छेड़छाड़ के कारण वेस्टइंडीज के खिलाफ चल रहे मौजूदा दौरे के तीसरे टेस्ट से निलंबित करने का फैसला किया है। उन्हें दूसरे टेस्ट के दौरान आईसीसी ने गेंद से छेड़छाड़ का दोषी पाया और वीडियो में सबूत भी दिखा है कि उन्होंने अपने मुंह में मीठी चीज जो कि मिठाई लग रही थी खाने की तुरंत बाद थूक गेंद पर लगा दिया। चांडीमल ने इस आरोप को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद सुनवाई के दौरान मैच रेफरी जवागल श्रीनाथ ने संहिता के अनुसार समय लेते हुए फैसला किया, जिसमें चांडीमल पर अधिकतम सजा लगाई गई। इसमें उनके खाते में दो निलंबन अंक जुड़े हैं और उनकी मैच फीस का 100% जुर्माना लगाया गया है। आईसीसी ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, दिनेश चांडीमल ने मैच रेफरी की जांच के खिलाफ अपील की है, जिसमें उन्हें गेंद की हालत में बदलाव करने का दोषी पाया गया है और उन पर एक टेस्ट मैच का प्रतिबंध लगाया गया है। चांडीमल को दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन के खेल के दौरान गेंद की हालत बदलने का दोषी पाया गया, जो कि सोमवार को समाप्त हुआ था। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसे ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।